कोयले की खदान से जिस तरह हीरा निकलता है, कुछ उसी तरह उत्तराखंड के जोशीमठ में नगर पालिका ने कर दिखाया है। वहां प्लास्टिक का जो कचरा परेशानी का सबब था, उसी कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने कमाई का साधन बना लिया है। देखिए, उत्तराखंड की ये हंसी वादियाँ लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। चार धाम यात्रा के लिए तो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते ही हैं। उसके अलावा यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। इस दौरान खान पान की चीजों को लेकर कूड़ा कचरा भी बिखरता है, जो किसी आफत से कम नहीं। लेकिन जोशीमठ नगर पालिका ने इस प्लास्टिक के कूड़े कचरे को आय का साधन बना लिया है। चार धाम यात्रा मार्ग है, उस पे जो प्लास्टिक यहाँ पे गिरता है उसे पिछले वर्ष भी नगर पालिका द्वारा बेचा गया था और इस वर्ष भी अब तक 1 लाख से अधिक जो बिस्लरी है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, हेमकुंड और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पे अलग अलग जगहों से उठाने का काम जोशीमठ नगर पालिका द्वारा किया गया है, जिनकी छटाई करने के बाद इसे बेचा गया है। प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने के लिए नगर समेत चार धाम यात्रा मार्ग पर 22 मजदूर लगाए गए हैं। कचरे को एकत्रित कर कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के दिनों में जोशीमठ नगर पालिका प्रशासन ने 3 टन से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा एकत्रित किया है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें शामिल हैं, जिन्हें रिसाइकल कर नगर पालिका ने महज 1 महीने में 1.2 करोड़ की कमाई कर ली है। समय से सबके प्रयास रहे हैं, हमारे जो नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे हैं, उनके जो मेहनत का ये फल रहा है। वहाँ पे वास्तव में जो हमारे पास कूड़े का निस्तारण और उससे उसकी जो हम बिक्री से आमदनी करते हैं, वो एक कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। अभी के समय पे जोशीमठ जो नगर पालिका है, वो केवल अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पांडुकेश्वर में भी जा कर के जो पर्यावरण मित्र उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जोशीमठ नगर पालिका प्रशासन की इस उपलब्धि से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। जोशीमठ नगर पालिका ने यह बहुत अच्छी पहल की है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मुझे लग रहा है कि काफी सफाई यहाँ पर नजर आ रही है क्षेत्र में, तीनों धामों में, यहाँ पर खासकर ये यात्रा पड़ाव पांडुकेश्वर, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में, और इससे एक जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में। सर, ये तो बहुत दूरदर्शी सोच है, जिनकी भी सोच है वो फिर से बधाई के पात्र है, क्योंकि जो कूड़ा शहर को खराब और गंदा दिखाता है, उसी कूड़े को समेट कर आप एक अच्छी धनराशि के साथ साथ एक बढ़िया माहौल दे रहे हैं, तो ये तो हर किसी के लिए एक सीखने के लिए बात है। प्लास्टिक मुक्त मुहिम के तहत 2011 से जोशीमठ में पॉलीथीन पूरी तरह बैन है और यहाँ प्लास्टिक का जो कूड़ा कचरा मिलता है उसे एक जगह जमा कर उसका शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उससे कुर्सियां, टेबल, डस्टबिन जैसे सामान बनाए जा रहे हैं, जिससे जोशीमठ नगर पालिका को अच्छी आय हो रही है। इसी कूड़े से हमारे नगर पालिका जोशीमठ ने कई प्रकार की चीजें बनाई हैं, जैसे कुर्सी, टेबल और कूड़ा दान तक भी इन्हीं प्लास्टिक की चीजों से बना है। एक पंथ दो काज, जोशीमठ नगर पालिका ने शायद इसे आत्मसात कर लिया है, जिसका नतीजा ये है कि सफाई के साथ साथ अच्छी कमाई भी हो रही है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।